हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय भान। आज के इस वीडियो में हम हेलो प्रिंट कराने के लिए बताएंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइटल लिखने के लिए। तो टाइटल दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक टाइटल होता है सब टाइटल बोलते हैं और एक टाइटल बोलते हैं। तो हम टाइटल में लिखेंगे, टाइटल हमारा इस प्रकार से लिखा जाए ब्लैक सेस, उसके बाद में फिर स्टार, फिर ब्लैक सेस उसके अंदर लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम उस हेलो प्रिंट कराने के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। तो हेडर फाइल हमारी होगी जो एच इंक्लूड स्टूडियो इंक्लूड कराएंगे, इंक्लूड स्टूडियो। दो फाइलें हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा रखे हैं, जो पहली है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल्स, और दूसरी हमने कोनियो डॉट हेडर फाइल्स इंक्लूड करा रखी है। पहली जो हेडर फाइल है यह है इनपुट और आउटपुट के लिए, दूसरी हमारी है कि स्कीम में जो पहले से वो हमारे स्कीम में क्लियर करने के लिए और गेट्स रिटर्न करने के लिए। इनकी हेडर फाइल को हम इसलिए यूज किए हैं। उसके बाद में फिर हम वाइड मेन फंक्शन का हम यूज करेंगे। मेन फंक्शन से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वाइड मेन से यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न, कुछ कोई इंटीजर नहीं रिटर्न कराना है, इसलिए डाटा टाइप्स हमने वाइड लिख रखा है। तो वाइड मेन लिखें, उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे जो हमें प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराना है हमें प्रिंट ऑफ, तो प्रिंट ऑफ के लिए हम ब्रैकेट, उसके बाद में फिर डबल्ड इन्वर्टेड कामा के अंदर हम जो हमें प्रिंट कराना है वो लिखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है। उसके लास्ट में हम सेमी कॉलम का यूज करेंगे, और उसके बाद हम फिर स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे। यदि हम गेट्स फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, तो यदि हम इस लाइब्रेरी का यूज नहीं करते हैं, तो गेट्स फंक्शन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। फिर अंत में हम कर्ली ब्रेकर से ओपन कर देंगे और प्रोग्राम अपना रन कराएंगे, और इजीली हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा हेलो वर्ड्स, हेलो वर्ड्स। इजीली आप इस पर प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और लाइक करें और शेयर करें।